हेलो स्टूडेंट्स, साइबर रूलर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपक पांडे है। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के बारे में, लेकिन मैं उससे पहले कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप 10th और 12th क्लास में हैं तो अभी आप बस अपने करियर पे ध्यान दें, 10th और 12th अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद ही आप साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर बनाने के बारे में सोचें या एथिकल हैकिंग करने की सोचें। लेकिन अगर आप 10th और 12th क्लियर कर चुके हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के कुछ, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एथिकल हैकिंग में, तो आपकी लाइफ को अच्छे से उस ट्रैक पे लेके जा सकती है जिस ट्रैक पे आपको जाना है। सबसे पहले हम एथिकल हैकिंग अगर करना है, हमें इसमें करियर बनाना है, तो हम इन चीज़ों को जान क्लियर कर लेते हैं कि हम एथिकल हैकिंग क्यों करना है, किस लिए करना है, या एथिकल हैकिंग होती क्या है और किस लिए करते हैं। सबसे पहले अगर हम एथिकल हैकिंग के बारे में देखें तो आजकल लोग बस यही सोचते हैं एथिकल हैकिंग में, अगर मुझे अपने दोस्त की हैक करनी है तो मुझे एथिकल हैकिंग करनी है, या अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक करना है तो मुझे एथिकल हैकिंग, बस हमारी जो सोच है सिर्फ यहीं तक रह गई है। जबकि एथिकल हैकिंग इन सब से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि अगर आप करियर में देखें ऑनलाइन, अगर आप सर्च करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, जो है जॉब कितनी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है हर एक कंपनी में, लेकिन हम क्या हैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। बस हम आईडी हैक करनी है, ये हैक करना है, वो हैक करना है, हम इन्हीं चीज़ों पे के बारे में बस सोचते रहते हैं। एक और बात, अगर आपको एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना है तो आपको अपनी लाइफ में दो चीज़ें, अपने बॉडी में, अपने एटीट्यूड में, अपने माइंड में चीज़ें बैठानी पड़ेंगी। एक तो आपके अंदर स्ट्रांग एटीट्यूड होना चाहिए, आपका जो एटीट्यूड हो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और सेकेंड चीज़ डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल और मतलब कैसे आपको कोई भी चीज़ आती है, अगर आप सामने वाले को समझा नहीं सकते तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होता। और सेकंड चीज़ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को सही से नहीं रख पाते, जस्ट लाइक आपने किसी चीज़ को हैक किया है तो जब आप कंपनी में काम करते हैं तो उसकी आपको रिपोर्ट बना के जो है सबमिट करनी पड़ती है, तो डॉक्यूमेंटेशन उसी चीज़ पर अप्लाई होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज़ को लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो आपके लिए एथिकल हैकिंग है ही नहीं, आप उन चीज़ों को करो ही मत। और दूसरी चीज़, आपकी लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी लर्निंग स्किल जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा जो एथिकल हैकिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए, एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाने के लिए हम अपना स्टार्टअप कहाँ से कर सकते हैं, या मतलब क्या क्या कोर्सेज़ के क्राइटेरिया होते हैं जो कोर्सेज़ हमें करने चाहिए। सबसे पहला दोस्तों होता है कि आपको हार्डवेयर क्लियर होना चाहिए, मतलब बेसिक स्किल आपके कंप्यूटर का क्लियर होना चाहिए। बेसिक स्किल जैसे हार्डवेयर हो गया, बेसिक हो गया, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसके थोड़े से एडवांस फीचर पता होने चाहिए। उसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कैसे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्किंग कैसे नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे में विंडो डालते हैं, और कोई भी हम मैसेज फेसबुक से या व्हाट्सएप से सेंड करते हैं तो दूसरे के पास कैसे पहुंच जाता है, कौन कौन सी लेयर काम करती हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी की लाइन में आ सकते हैं, मतलब एंटर कर सकते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी करने से पहले जो इसका बेसिक कोर्स होता है उसे बोलते हैं CSCU, सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूज़र। ये बेसिक कोर्स होता है, ये आपको बस एक क्लियरेंस करवाता है, मतलब एक क्लियर देता है कि आप साइबर सिक्योरिटी जो कर रहे हैं कोर्स, इस कोर्स में क्या क्या होता है, कैसे सिक्योरनेस होती है। अगर आप मतलब साइबर सिक्योरिटी में करियर नहीं बनाना चाहते, एक बार CSCU जो है पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी होती क्या है, मतलब हम अपनी सिक्योरिटी कैसे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे सिक्योर होती है, पोर्नोग्राफी क्या क्या होती है, फिशिंग वगैरह, मतलब बहुत सारे जो हैकिंग के अटैक्स होते हैं वो CSCU में ही आपको पढ़ा दिए जाते हैं, बेसिक मतलब आपको फंडामेंटल क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपका कोर्स होता है वो CEH होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का। ये कोर्स आप करके अगर आप इसका ये सारे कोर्सेज जो है इसी काउंसिल से आप कर सकते हैं, CSC हो गया, CEH हो गया, आप वहीं से आपको जो है कम्युनिटी है ऑनलाइन जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अंदर आपको पूरा हैकिंग के बारे में नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकली और थ्योरिकली आपको PDF मिलती है, उस PDF से आपको पढ़ना होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, तो इंस्टीट्यूशंस पे अगर आप देखें तो 14,000-15,000 रुपये लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स कुछ भी नहीं पढ़ाते। जो इसी काउंसिल से PDF मिलती है वही PDF कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं, दूसरी जगह से ले लेते हैं, वही PDF आपको पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद जो है निकल देते हैं। लेकिन इतना याद रखें, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ये चीज़ें, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे या खुद नहीं समझने की कोशिश करेंगे या खुद नहीं पूछोगे, तब तक आपको कोई चीज़ नहीं आ सकती, इतना तो आप ध्यान रखें। और एक और चीज़, इथिकल हैकिंग करने से पहले ये चीज़ अपने माइंड का कंसेप्ट बना लेना, कोई भी कोर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, हर कोर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं, ये कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं, ये कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें हर एक चीज़ इथिकल हैकिंग से रिलेक्ट है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग भी देखें तो वेब डिज़ाइनिंग भी इसी से जो है मिलती जुलती है। अगर आपको वेबसाइट हैक करनी है, अगर उसकी कोडिंग आप ओपन कर लेते हैं, एडमिन पेज ओपन कर लेते हैं, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप इथिकल हैकिंग कर लेते हैं तो कोई फ़ायदा मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों की बेसिक बेसिक नॉलेज है तो आप इथिकल हैकिंग करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी आपकी ब्रॉड हो जाएगी, उन चीज़ों में कमी कैसे ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वल्नरेबिलिटी वगैरह। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो CHFI होता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का होता है, सर्टिफाइड इथिकल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। ये क्या काम करता है, जैसे आप मान लो एक पेन ड्राइव है, मैंने अपनी पेन ड्राइव जो है किसी दोस्त के कंप्यूटर में लगाई, अब वहाँ पे क्या क्या डाटा डाला, क्या क्या नहीं डाला, और फिर मैंने अपने में लगाई, अब इसको मुझे स्कैन करना है, कैसे पता चलेगा, मान लो सब कुछ डिलीट हो गया, तो उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या काम करता है, उस चीज़ को फॉरेंसिक एनालाइज करता है कि इसके अंदर क्या क्या डाटा था, कैसे था, क्या डिलीट हुआ, कब नहीं है, कब लगी थी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में लगा है, इसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ को डिजिटली एनालाइज करना, उसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। उसके बाद है LPT, लाइसेंस पेंट्रेशन टेस्टर। ये आपका जो है लास्ट कोर्स होता है, अगर आपको एक लाइसेंस पेंट्रेशन टेस्टर ही बनना होता है, मतलब एक पेंट्रेशन टेस्टर की जॉब होती है जो एक सर्टिफाइड इथिकल की एक तरीके से आप जॉब समझ सकते हो, ये आपको जॉब दिलाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लाइसेंस पेंट्रेशन टेस्टिंग के बाद। या अगर आपको जॉब नहीं भी करना चाहते तो आप घर पे भी बैठ के किसी भी साइट्स के मतलब वेलोबिलिटी ढूंढ के उन साइट्स को जो ओनर होते हैं उनके पास जो है मेल करके आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी साइट्स में ये वेलोबिलिटी है, मैं अगर इसको सही करूँगा तो इसके बग्स भी है मेरे पास, अगर आप उसे सही करेंगे तो आपको उसके बदले में जो है बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। तो ये था आपको मतलब बेसिक कोर्स जो है आप कैसे कैसे कोर्सेज कर सकते हैं, एक तरीके से पाथ। सबसे पहले अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इथिकल हैकर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही जो है डायरेक्टली जो है CH कर लेते हैं, इथिकल हैकिंग कर लेते हैं, तो एक तरीका होता है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। आप ऐसे ही समझें, अगर आपने 10th नहीं की और आप 12th पढ़ रहे हैं तो क्या आपको 10th का कुछ पता होता है? नहीं पता होता। और आप 12th के बहुत सारे जब एग्ज़ाम देते हैं मतलब, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो है 10th से आ जाती है, या फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप ग्रेजुएशन में ही ले लें तो 10th और 12th का जो है बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने 10th और 12th नहीं किया, आप ग्रेजुएशन वैसे कर ही नहीं सकते, मान लो आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपको समझ में ही नहीं आते होंगे, तो आपको वो चीज़ें दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लर्निंग पाथ से फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इथिकल हैकर बन सकते हैं, लेकिन आप लर्निंग पाथ से नहीं करते तो वही है लंजू पंजू जैसे इथिकल हैकर होते हैं, सभी बोलते हैं आजकल मैं इथिकल हैकर हूँ, मैं इथिकल हैकर हूँ, बट वो चीज़ें इथिकल हैकिंग नहीं होती। अगर आप इथिकल हैकिंग करना चाहते हैं तो एक लर्निंग पाथ से करें, एक लर्निंग तरीके से करें, मतलब एक स्टेप वाइज करें तो बहुत अच्छे आप इथिकल हैकिंग बन सकते हैं। और कोर्सेज का जो क्राइटेरिया होता है, आप इसके अंदर कोर्सेज सारे ही करें, मतलब सारे ना करें लेकिन बेसिक कंसेप्ट सबका जो है क्लियर रखें। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट सबका क्लियर है तो आप बहुत अच्छे जो है इथिकल हैकर बन सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपको अगर इथिकल हैकर बनना है, बेस्ट से बेस्ट अगर आपको इथिकल हैकर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं और कैसे नहीं बन सकते, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है। इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।